हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवाल देना चाहूँगा जिसके जवाब आपकी स्टैंडर्ड 8 यानी कि क्लास 8 यानी कि धोरण 8 की जो सरकारी चुपड़ी है सामाजिक विज्ञान की, उसका जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट लेसन है, उसमें से मिलेंगे। तो अगर आप उस पार्ट को समझे होंगे या फिर इन सवालों को ढूंढने के लिए आप अगर दोबारा से पढ़ोगे तो इस पाठ में क्या कहना चाहा है, हमें क्या समझाना चाहा है, वो सारी बातें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये कुछ सवाल हैं जिसे आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और फिर उसके जवाब आपको ढूंढने हैं और लिख कर फिर आपको खुद से भी चेक करने हैं और हमसे भी चेक करवाने हैं। जैसे कि सवाल है कि 19वीं सदी में सामाजिक अने धार्मिक सुधारणा आंदोलनों कोने शुरू कराया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि पहले ही पाठ में है, जिसे हमने पहले ही समझ लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो सवाल है, राजा राम मोहन राय का जन्म क्या था, तो यानी कहाँ पर हुआ था, राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। फिर इसके बाद राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। फिर इसके बाद में दोस्तों कलकत्ता यानी कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौने करी, यानी किसने कॉलेज बनवाई। एक और सवाल है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध कायदो कौने अने क्यारे घड़ो, यानी कब ये कायदा बना और किसने ये कायदा बनाया। इसके बाद दोस्तों छठा सवाल है हमारा, राजा राम मोहन राय ने कौने अने क्यारे इंग्लैंड मोकलिया, और इसका जवाब भी आपको पहले ही पार्ट में मिल जाएगा अगर आपने उस पार्ट को ध्यान से पढ़ा होगा तो। दोस्तों सातवां सवाल है हमारा, राजा राम मोहन राय नु अवसान यानी कि देहांत क्या अने क्यारे थयो हतो, तो वो कब गुजर गए थे। दोस्तों आठवां सवाल है, हिंद मां धर्म ना जड़ अने अंधश्रद्धा वाला विचारों कोणे दूर कर्या, जो अनिष्ट उस टाइम पे चलते थे, जो कुरीवाज थे, वो किसने दूर किए। दोस्तों नौवां सवाल है, 19वीं सदी में भारतीय समाज में फैलायेला अंधश्रद्धा वहमो अज्ञानता कुरीवाजो ज्ञाति प्रथा जेवा अनिष्टो कौने दूर कर्या। दोस्तों दसवां सवाल है हमारा, ब्रह्मो समाज की स्थापना कौने अने क्यारे करी, यानी ब्रह्मो समाज नाम की जो संस्था बनी थी, जो जन जागृति अभियान चलाती थी, तो वो संस्था कब और किसने बनाई। इसके अलावा दोस्तों दयानंद सरस्वती के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो कुछ सवाल मैं ये आपको देता हूँ कि दयानंद सरस्वती नो जन्म क्या थयो तो। दूसरा सवाल है, दयानंद सरस्वती गुरु त्याग शा माटे कर्यो तो, गुरु त्याग यानी घर को क्यों छोड़ा था। तीसरा सवाल, दयानंद सरस्वती कितला वर्ष सुधी देश भर में परिभ्रमण करी, यानी पूरे देश में घूम के योग नो अभ्यास कर्यो, तो आपको बताना है कि कितने साल वो घूमे। चौथा सवाल, दयानंद सरस्वती कोनी पासे थी हिंदू शास्त्रनो अभ्यास करो। इसके बाद वेदों तरफ पाछा वड़ोनो बोध कोने आपे। छठा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कोने अने क्यारे करी, मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें आपको इंसान के नाम, उन्होंने जो संस्थाएँ बनाई हैं उनके नाम और वो कब शुरू हुई थी वो आपको याद रखने हैं। तो सवाल भी कुछ ऐसे ही होंगे जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों इसके बाद सातवां सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ना अवसान पछी यानी उनके गुजरने के बाद कौने आर्य समाज संस्था ने प्रवृत्तियों चालू रखी, यानी किसने इस किन किन लोगों ने इस मुहिम को आगे चलाया स्वामी दयानंद सरस्वती के गुजरने के बाद, उनके देहांत के बाद, अपना अवसान पछी। आठवां सवाल है, कांगड़ी गुरुकुल कोणे अने क्यारे स्थापियो। फिर इसके बाद दोस्तों सवाल है, रामकृष्ण परमहंस नो जन्म क्या थयो तो। एक और सवाल है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बालपण नु नाम, यानी पहले उनका नाम क्या था, बाद में वो स्वामी बने, उन्होंने घर छोड़ा और देश दुनिया के लिए जो घूमे तब उनका नाम अलग था, तो क्या नाम था जो बचपन में उनका नाम था। उसके बाद में दोस्तों एक सवाल है, नरेंद्र नाथ एटले के स्वामी विवेकानंद गुरु कौन था, क्योंकि हर एक महान इंसान जो होता है उसका कोई ना कोई तो गुरु होता ही है दोस्तों। एक और सवाल है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद
लोगों ने सो बोध आप्यो, यानी क्या सीख दी उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने, वो सीख वो बोध आपको जो मंत्र जो सूत्र है वो लिखना है। इसके बाद में दोस्तों एक और सवाल है कि उठो जागो अने ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो, ये सूत्र कौन है आप? क्लिक हुआ, आसान है ना दोस्तों। दोस्तों एक और सवाल है कि मुस्लिमों में सामाजिक अने धार्मिक जागृति नो आरंभ यानी शुरुआत कोनी आगे वाली हेठळ थयो, यानी किन्होंने ये मशाल जलाई और किन्होंने ये एक्टिविटी शुरू की। दूसरा सवाल है दोस्तों, इस्लाम धर्म अने संस्कृति ने मजबूत अने शुद्ध करवा कयू आंदोलन चलावियो, तो उस आंदोलन का दोस्तों एक नाम है, वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एक और सवाल है, मुसलमानों ने अंग्रेजी केड़वणी लईने, केड़वणी यानी एजुकेशन शिक्षण, केड़वणी लईने तेमनु पछातपणु अने रूढ़िचुस्तता दूर करवानो आग्रह कोणे कर्यो, तो उन जनाब का नाम लिखना है आपको यहाँ पर। एक और सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना कोणे अने क्यारे करी? दोस्तों एक और सवाल है कि कोना प्रयत्नों ने लीधे लग्न माटे सम्मति वय ठराव तो कायदो घड़े? दूसरा सवाल, महाराष्ट्र ना जानीता समाज सुधारक कौन? एक और सवाल, सत्य शोधक समाज ने स्थापना कौन करी? वो एक संस्था थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, उसकी स्थापना किसने की, वो संस्था किसने बनाई? गांधी जी स्थापित अखिल हिंद हरिजन संघ ना मंत्री, तो उन मंत्री का नाम आपको लिखना है। और ठक्कर बापा नु मूल नाम, हम जानते हैं कि ठक्कर बापा एक मंत्री थे जिन्होंने कोई खास एक्टिविटी की थी, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो आपको इससे पिछले सवाल का जवाब मिल जाएगा। लास्ट जो हमारा आखिरी सवाल है इस वीडियो का दोस्तों, कि पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना कौने करी? तो दोस्तों ये सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। अगर आपने इन सवालों के जवाब ढूंढ लिए और फिर चेक करने के बाद में आपको पता चला कि ये सारे जवाब सही है, तो समझ लो कि आपको आपकी आठवीं क्लास का द्वितीय सत्र का यानी सेकंड सेमेस्टर का पहला पार्ट पूरी तरह से समझ में आ चुका है। फिर आपको कोई भी सवाल चाहे ऐसे पूछे या फिर ऐसे करके आपको उस सवाल का जवाब आ जाएगा।